हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। इसको हम दो तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। जो पर्सन कम तेल की खाना पसंद करता है वो इसको अप्पा मेकर में बनाए, और जिसके पास अप्पा मेकर अवेलेबल नहीं है उसके लिए मैं आपको कढ़ाई में बनाने का प्रोसेस बताती हूँ। चलिए समय ना गंवाते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर लेना है 1 कप साबूदाना। इस साबूदाने को मैंने 2 कप पानी डाल करके 1 घंटे के लिए फ्लो दिया है। दो घंटे बाद हम इसको देखते हैं। देखिए, हमारा इसके 2 घंटे हो चुके हैं। साबूदाना हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर फूल चुका है। इसको हम चलनी में छान लेते हैं और इस चलनी को हम थोड़े समय के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसमें निकल जाएगा। अब तक देख लेते हैं हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हमको चाहिए कटा हुआ धनिया, आधी कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच व्रत का नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अदरक पिसा हुआ, यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, और पिसी हुई मूंगफली के कुछ दाने। तब तक हमारे देखिए साबूदाने फूल चुके होंगे। अब हम सारे चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। साबूदानों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डाल देते हैं, और हमको बॉइल्ड आलू डाल देना सबसे पहले, पिसी हुई मूंगफली, काली मिर्च पाउडर, नमक, जिंजर पेस्ट, धनिया मिर्च हमने इसमें डाल लिए हैं। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, अदरवाइज जो साबूदाना हमारा फूला हुआ है वो बिल्कुल इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बन जाएगा, इसलिए हम उसको हल्के हाथों से रखें। अब इसमें साबूदाने के दाने बने रहते हैं इसमें थोड़े से, इससे क्या होता है आपका खाने में वड़ा बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्रंचीनेस आती है इसमें। देखिए, हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल टाइप का बना लेते हैं, और बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। देखिए, मैंने इसको हल्के हाथों से बनाना है और इस तरीके से हिलाते हुए इसको बनाना है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। बाकी अगर आप हल्के हाथों से इसको बनाते हैं इस तरीके से, हिलाइए इसको, इससे इसके बिल्कुल गोल शेप आ जाती है। देखिए, साबूदाना वड़ा आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा अप्पा मेकर में फिर ये नहीं आता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मीडियम साइज ही रखें। ये हमने सारा बॉल बना लिया है साबूदाने की। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने अप्पा मेकर को यहाँ पर गरम कर लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें सब बॉक्स में डाल लेते हैं, और साबूदाने की बॉल को इसमें रख लेते हैं, इसको ढक देते हैं। और इसको थोड़ा सा एक बार ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा घी लगा करके इसको ग्रीस कर लीजिए बीच में। और याद रखिए, आप इसको बार बार पलटते रहें वरना ये जल जाते हैं। हमने अब इनको पलट लिया है, इसको थोड़ी देर और सिकने देते हैं। देखिए कलर कितना चेंज होता जा रहा है इसका। एक बार इसमें और ग्रीसिंग कर लेते हैं ऑयल की। देखिए, ये एकदम रेडी हो चुका है, इसको एक बार और पलट लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
देखिए कितने सुंदर ये हमारे साबूदाना बॉल्स लग रही हैं। इनको हमने अप्पा मेकर में बनाया है। और अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ये अप्पा मेकर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किस तरीके से कढ़ाई में बना सकते हैं। और कढ़ाई में बनने के बाद ये वड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए हम अपने वड़े को सेप दे देते हैं। सबसे पहले हमको हाथों में ऑयल लगा करके इसको पहले तो कुछ गोल टाइप में बनाना है, फिर इसको प्रेस करके इस तरीके से वड़ा की शेप दे देनी है। देखिए पहले तो हमको इसमें थोड़ा सा इसमें राउंड शेप देनी है, उसके बाद इसको वड़ा की शेप दे देते हैं हम लोग। देखिए कढ़ाई में अगर आप गोल को सेकेंगे तो वो अंदर से सिकता नहीं है, इसलिए आप इसको ये वाली शेप दें। और बीच बीच में आप अपने हाथों पर ऑयल लगाते रहें, इससे आपका मिक्सर यहाँ पर अपने हाथों पर चिपकेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है हमको इसके लिए, कढ़ाई को गर्म कर लेना है और अपना वड़ा इसमें डाल लेते हैं। वड़ा को आप केयरफुली डालिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, तो आप हो सके आप करछी की सहायता से इसको डालें, इससे जलते भी नहीं है, बिल्कुल आप सेफ रहते हैं। ये देखिए हमारे वड़े के कलर चेंज होता जा रहा है। और इसको आप पलटते रहिए। ये देखिए बिल्कुल हमारा सिककर तैयार हो चुका है वड़ा कढ़ाई में। अगर आपके पास अप्पा पिन अवेलेबल नहीं है तो प्लीज इसको जरूर बनाएं अपने घर पर। और हम इसको टिश्यू पेपर लगा करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो हमारे रिमेनिंग हैं सारे वड़े को इसमें डाल लेते हैं। और आप इसको बीच बीच में पलटते जरूर रहें। गैस को हमने बंद कर लिया है और सारा वड़ा निकाल लिए हैं। देखिए कितना सुंदर ये टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है, कितने क्रिस्पी ये वड़े बने हैं। अगर आपके पास अप्पा पेन है इस तरीके से बनाए, नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में जरूर ट्राई करें। थैंक यू गाइज़।